बेटे के इंतजार में क्रमशः मेरी एक दो तो, तीन चार बेटियां हो मेरी दादी सास कहती थी कि राजकुमार के बेटी सब बखारी सुन के आ देते मुझे बहुत दुख और दर्द था कि एक तो चार बेटी हुई है अब मेरे पति की भी दूसरी शादी हो जाएगी मेरे पति देव का देहांत हो गया मैंने शादी के 24 वर्षों बाद अध्ययन शुरू किया 2010 में परिवार समृद्ध तो था पर रूढ़ीवादी किसी भी कीमत पर मेरे ससुर मुझे एग्जाम देने जाने ही नहीं दिए मैं पुष्पा मैं बिहार राज्य की दरभंगा जिले की अयारी गांव से आई हूँ बचपन से इस तरह की भावना जागृत हो गई विद्या के प्रति लगाव प्रेम जागृत हो गई कि नहीं अध्ययन और अध्यापन बहुत ही अच्छा है जीवन के लिए मगर उन्नीस सौ चौरासी पचासी की बात है उस जमाने में हमारे जो अभिभावक लोग हुआ करते थे उनकी यह धारणा थी कि अगर बेटी है और अच्छा घर भर मिल रहा है तो उसकी शिक्षा दीक्षा से ज्यादा प्रतिष्ठा वो उनकी शादी करने में विश्वास करते थे विवाह 21 मई उन्नीस सौ को मेरी हुई थी और एग्जाम देना था सतासी में परिवार समृद्ध तो था पर रूढ़ीवादी था किसी भी कीमत पर मेरे सास ससुर मुझे एग्जाम देने जाने ही नहीं दिए बहुत मुश्किल से पति को मना वना के हम एग्जाम दिलवाने के लिए वो तैयार हुए ले गए मैंने इंटर का एग्जाम दिया मुझे याद आ रहा है कि ठीक उन्नीसवें दिन मेरी प्रथम सुपुत्री का जन्म हुआ घर की पहली संतान मेरी बच्ची थी इसीलिए सास ससुर ने मिठाइयाँ बांटीं बहुत खुशी मनाए कि घर में पहली संतान हुई है पर ऐसा क्रम चला नहीं बेटे के इंतजार में से मेरी एक दो तीन चार बेटियां हो गई जब चार बेटियां हुई तो दादी सास को बड़ा झटका लगा उन्होंने अस्पष्ट निर्णय ही सुना दिया कि अब उनके पोते की दूसरी शादी कर देना है मुझे बहुत दुख और दर्द था कि एक तो चार बेटी हुई है अब मेरे पति की भी दुषी शादी हो जाएगी मगर मेरे पति देव काफी अच्छे इंसान थे क्योंकि अब वो नहीं रहे हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, तो उन्होंने दुषी शादी नहीं की हम लोग ईश्वर से काफी मन्नतें मांगते रहे तो हम मुझे एक पुत्र हुआ सभी लोग घर में बहुत खुश थे चार बेटियों का ताना तो मुझे मिलता ही था मेरी दादी सास कहती थी कि राजकुमार के बेटी सब बखारी सुन आ देते ये सब बातें मुझे बहुत खलती थी बड़ा चोट पहुंचता था कि इन्हीं लोगों के कारण मैं चार पुत्री को जन्म दी हूँ नहीं तो मैं दो ही पुत्री में संतोष कर लेती और ऊपर से इस तरह की बातें कह रही हैं बड़ा कष्ट होता था अब जीवन के दुखद पक्ष को देखना था हम लोग बहुत परेशान से थे कि इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है दादी सास हैं अपनी सास हैं पांच पांच बच्चे हैं पति पत्नी हैं बड़े मुश्किल लग रहा था गांव में जमीन तो थे मगर बाढ़ और सुखार के कारण फसलें इतनी नहीं होती थी कि अच्छे जीवन जिया जा सके हम लोग पति पत्नी सोचे कि क्यों नहीं हम लोग अपने घर में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें और हम लोगों ने ऐसा ही किया चूँकि अहियारी सुशिक्षित लोगों का गांव है इसीलिए हर वर्ग के लोग मेरे यहाँ पढ़ने आने लगे हर वर्ग के बच्चे आने लगे और हम लोग बड़े मनोयोग पूर्वक उन बच्चे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाते थे इसका फ़ायदा यह होता था कि मेरी अपनी बच्चियाँ भी उसी में पढ़ लिया करती थी और घर में रहने के कारण मैं घर के सारे कार्यों को गृहिणी की तरह सुचारू रूप से कर लेती थी ये सब क्रम चलता रहा कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई मगर फिर दो में मेरे पति देव का देहांत हो गया यह स्थिति मेरे लिए अत्यंत दुखद थी गरीबी से तो मुकाबला किया जा सकता है मगर किसी से बिछो हो, हो तो यह बड़ा दुखद बात होती है और फिर घर का मुखिया ही चला जाए तो समझा जा सकता है कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हुआ ये कि मेरे पतिदेव मेरा नामांकन स्नातक में करवा दिए थे 2010 में मैं 24 वर्षों के बाद छियासी के बाद घर से 2010 में बाहर निकली थी तो वहाँ मुझे केवल उनकी ये शर्त माननी पड़ी थी कि गांव का महाविद्यालय है अहल्या गौतम महाविद्यालय अयारी तो वहाँ सभी लोग अपने गांव के ही हैं इसीलिए आपको घूंघट में जाना होगा तो मैं अपने घर से निकलती थी तो पूरा एक बीते का घूंघट रखती थी कि मेरा मुँह नहीं कोई देख सके तो मैं घूंघट से ही जाती थी और घूंघट में ही पढ़ी लिखी मैं प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण कर गई अब मेरी तीसरी बेटी स्नातकोत्तर मैं अपना नामांकन करवाने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आने वाली थी मैं मन ही मन सोच रही थी कि चलो इतना तक तो पहुंच गए हैं क्यों नहीं स्नातकोत्तर कर लिया जाए अभी तो मेरी बेटी भी मेरी सहयोग करेगी मेरी बेटी सौम्या प्रीतम जो अभी रिसर्च स्कॉलर है और पी भी पास कर चुकी है वो वो भी बचपन से काफ़ी होशियार थी और उसने कहा ये तो अच्छी बात है पढ़ाई लिखाई करना तो मम्मी अच्छी बात है ठीक है मैं ही आपका नामांकन करवा दूंगी वह अपना भी नामांकन करवाई और मेरे नामांकन के लिए भी वह मुझे ले गई वहाँ कार्यालय में मैंने देखा झाँक कर कि बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे और मैं तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से ही गई थी जहाँ मैं घूंघट में रहकर ही पढ़ी थी तो मेरा हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि कार्यालय के अंदर प्रवेश करें मैं गेट पर ही खड़ी रही मैं मैंने सौम्या को कहा कि जाओ बेटा तुम सारे काम कर दो मैं साइन कर दूँगी कोई बात नहीं है सब कुछ हो जाएगा ठीक ठाक बस और मेरा अंदर से जैसे मैं भयभीत थी कि उतने बड़े विद्वान के बीच में जाऊं कैसे क्या बोलूंगी कैसे क्या कहूंगी क्योंकि मैं अयारी में मैथिली में ही बोल चाल करके घूंघट में ही प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर ली थी तो मुझे वहाँ कोई समस्या नहीं थी यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाने में मुझे काफ़ी समस्या लग रही थी मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जो सहपाठी थे उनकी मैं माता के समान थी मैं उन लोगों के बीच में काफ़ी बुजुर्ग थी मगर उन लोगों ने कभी इस बात का एहसास मुझे नहीं होने दिया सभी मुझे दीदी कहा करते थे फिर मैं आती जाती आने जाने के क्रम में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं समृद्ध परिवार से थी तो मैं हमेशा अपनी गाड़ियों से ही आया जाया करती थी मगर यहाँ मेरी मुश्किलें ये थी कि मेरी गाड़ी बिक चुकी थी मुझे पैदल आना जाना पड़ता था फिर गांव की महिलाएं बोलती थी कि जवान बेटी तुम्हारी हो गई है कुछ जमीन वमीन को बेचकर इनकी शादियां कर दो और निश्चिंत होकर घर में रहो युवाओं को तो नौकरी मिलती नहीं है तुम पढ़कर क्या कर लोगी कौन सा कलेक्टर बन जाओगी ये क्या जुनून तुमको सवार हो गया है मगर फिर भी मैं उन लोगों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती थी हंस अपने काम में लगी रहती थी वो आइए कि फिर मैंने दोनों सेमेस्टर भी पास कर लिया स्नातकोत्तर का रिजल्ट आया मैं 1600 सौ अंकों का का एग्ज़ाम दी थी 1600 सौ में मुझे दस सौ अंक मिले सभी लोग बहुत खुश हुए तो ये हो गया इसके बाद फिर पिताजी का एक बार फ़ोन आया उन्होंने कहा अब तुम क्या करने वाली हो मैंने कहा कि अब मैं नेट की तैयारी करूंगी फिर मैंने पेपर में देखा कहीं पीआरटी का था जिगिर तो मैंने सोचा कि चलो पीआरटी भी देकर देख लेते हैं क्या होता है पीआरटी का भी एग्ज़ाम मैंने दिया और मैं अपने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चौथे स्थान पर आई अब मेरा आत्मविश्वास एकदम मजबूत हो चुका था और घर से बाहर निकली तो गांव वाले लोग कम मगर जो रिश्तेदार होते हैं पड़ोसी होते हैं उन लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था घर में सासू माँ बिल्कुल विरोध में थी कि नहीं मैं तुम्हारी बेटियों को सहयोग करूँ या तुम्हें सहयोग करूँ दादी सास भी थी जीवित उस समय भी वो तो बहुत मैथिली भाषा में ही दाँट-डपट शुरू कर दिया करती थी कि चार चार बेटियों जन्मा आ अपनों सोच कि कलेक्टर बन जाए एहनों कतो भेले है बेटी के पढ़ेत बेटी के करते करतेत नहीं तब बुझे कि हम कलेक्टर भै जाए कि जान गलिए कि एक सा नहीं कि एक बजे इस तरह से करके मैथिली में हम लोग मेरी दादी सास मुझे कुछ कहती थी सास को भी गुस्सा आता था तो वो भी बोलती थी कि ए पढ़ाई उढ़ाई छोड़ू अपना बेटी सब का संभालू घर में रहूँ घर के काज छूट जाए जन रखे पड़े जौन कहते पैसा दिए पड़े कते पैसा अतै की हेतें और उस बीच पति का देहांत होने के बाद तो वो और भी गुस्से में आ गई थी क्योंकि वह मानसिक रूप से भी दुखी थी उनका बेटा चला गया था और इसके लिए वो कहीं ना कहीं मेरे भाग्य को भी दोष देती ही होंगी कि ऐसी बहू आई कि मेरा प, बेटा नहीं रहा तो इसीलिए वो उस वो वो उस समय का परिस्थिति तो वैसा था कि मन करता था कि अब क्या सोचें क्या करें क्या नहीं करें काफ़ी परेशानियों का वो मैं क्या जिक्र करूं मेरे पिताजी अभी जीवित हैं अगर देखेंगे तो उनको कष्ट हो गया हमारे समाज में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जब चार पाँच बेटियाँ होती हैं और महिलाएं विधवा हो जाती हैं तो उनको सबसे पहले घर में ही विद्रोहों का सामना करना पड़ता है घर के लोग ही सबसे ज्यादा उनको परेशान करते हैं सीधे शब्दों में घर के लोग उनको मानव ही नहीं समझते हैं देवर हो दयाद हो क्या बताऊं? मेरे ससुर के छोटे भाई जमीनी टाइटल सुट कर दिए जमीनी विवाद में हमको फंसा दिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा कि विडो है सास भी विडो है कम से कम इसका जमीन छीन लिया जाए उन सब परेशानियों को भी हमको झेलना पड़ा क्या बताऊँ उस हमारे अहियारी गांव के सारे लोग जानते हैं इतना ही नहीं मेरी एक बेटी को जब शिक्षक सरकारी स्कूल की शिक्षिका में हो गया वो काउंसलिंग के लिए जाने वाली थी नौ तारीख को आठ तारीख को उस पर झूठा मुकदमा कर दिया गया कि इसने मेरे घर में आकर चोरी की है आठ तारीख के शाम तक मेरे घर में बसंत झा निरीक्षक महोदय एवं सरवर आलम थाना अध्यक्ष महोदय गल बल साज के साथ आए स्वान दस्ता भी मेरे घर आया हम लोग वैसे थे ही नहीं हम लोग को कोई समस्या नहीं हम लोग शांति से थे उन्हें मैंने 2013 में जब मेरे पति का देहांत हुआ था और मेरे छोटे चाचा जी यानी मेरे ससुर के सबसे छोटे भाई ने जो केस किया था वो पेपर दिखाया तो वे लोग सारा माजरा समझ गए और मेरी बेटी को बोले तुम चिंता नहीं करो मैं सब समझ गया हूँ और अगले दिन मेरी बेटी गांव के लगभग 500 लोगों से हस्ताक्षर करवाई मैं रोने लगी कि मैं इतनी मुसीबत में रहकर अपनी बेटियों को पढ़ाई हूँ अब ये सरकारी नौकरी भी इसके हाथ से गया तो ये मुझे सांत्वना दी मेरी सबसे छोटी बेटी अदिति जया और गाँव के लगभग पाँच लोगों से वह मेरे गांव से सटा हुआ कुमरौली गांव है मेरे गांव से सटा हुआ चौटा गांव है मेरे गांव से मेरा गांव अहियारी है ही पाँच सौ लोगों ने साइन किया मैं उस ग्रामवासी को भी यहाँ इस मंच से भी नमन करती हूँ कि सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया मगर उस समय की परिस्थिति को क्या बताऊँ शब्द नहीं है मेरे कहने के लिए मगर मैं अपने क्षेत्र की नारियों से यही कहूँगी कि हम लोग सामान्य जस के साथ आगे बढ़े कुछ भी परेशानी आए मायके वाले या फिर ससुराल वाले किसी को दोष नहीं देना है क्योंकि कुछ चीज़ें भगवत निर्धारित भी होती हैं उसमें हमें खुद संघर्ष करके स्वयं को दिखाना पड़ता है और समाज के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य निर्धारित करना पड़ता है इसीलिए हम महिलाओं को ईश्वर ने जो भी गुण दिया है कोई बहुत अच्छा गा सकती हैं कोई बहुत अच्छा बुनाई कर सकती हैं कोई बहुत अच्छा कोई भी हस्तकला का कार्य कर सकती हैं उनको अपनाएं और उनको बहुत विकसित करने में लग जाए उसी को अपना एक जुनून बना लें और जब तक उसमें पूरे अपने आप को सफल नहीं कर दें, तब तक प्रयास में लगी रहें जरूर सफलता मिलेगी सब एक सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते हैं उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा तो अब सुनने ला बस बनल रहू